सन्नाटा हो रखा है चारों तरफ, बस हमारे बैग की आवाज। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 22 जुलाई और आज मैं निकलने वाला हूँ अमृतसर। आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं अर्ली मॉर्निंग राइड्स करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस बारी मैं अमृतसर में आप लोगों को सब कुछ कवर कराने वाला हूँ, जो भी वहाँ पे फेमस स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ पर चटोरे बसते हैं, लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा चंडीगढ़ अम्बाला साइड में रोडों पर पानी भर गया था, तो मैंने काफ़ी लोगों से कंफर्म कर लिया है कि ऐसा कोई सीन तो नहीं है, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टक इन दी ट्रैफिक। सो बाकी पूरा हाईवे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं नेशनल हाईवे 24 से निकलूंगा और सीधा निकलूंगा सोनीपत वाले रूट पे जो मुरथल के लिए रूट कटता है। वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को जो पूरा रूट है दिल्ली टू अमृतसर का वो सारा कुछ बताने वाला हूँ, कितने टोल्स पड़ते हैं। अपनी पार्किंग एरिया में और रात के बज रहे हैं 4, बस हमारे बैग की आवाज़ और हम। इस गाड़ी फुल करवा लेते हैं। इस 2950 रुपये में टैंक फुल हो गया है। होंडा सिटी का थोड़ा सा आई थिंक टैंक 35 लीटर गई है, बट ठीक है, देखते हैं अब कितना आगे पहुंच पाते हैं हम। 450 किलोमीटर से ज़्यादा है, टैंक कर लेते हैं, यहाँ पे मीटर कर लेते हैं रीसेट, ये वाला रीसेट कर लेते हैं ट्रिप। हाँ, अब देखते हैं कितना एवरेज निकलता है और कितना एग्जैक्ट किलोमीटर है। ये है दिल्ली मेरठ वाला एक्सप्रेसवे और इसी रूट से हम आगे ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे कट जाएंगे आगे से। कुछ ऐसा नजारा होता है सुबह सुबह अमृत सुखदेव। इस पीछे सनराइज हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है। अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे सुबह सुबह। ये है वो चीज़ जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ये वाइट मक्खन। पराठा तो बहुत टेस्टी है सर, चाय में भी लग रहा है केसर डाला हुआ है। पराठा खा लिया है, चाय भी पी ली है, चाय बढ़िया थी, पराठे की क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है। गाड़ी खड़ी है कहीं वहाँ पे, तो उस साइड से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। सो पराठा खा के बस निकले ही थे और हमें दिख गया है अगला टोल। दूसरा टोल जो पड़ा है वो सोनीपत में पड़ा है मुरथल के आगे जस्ट 500-600 मीटर आगे, और उसका भी 110 रुपए टोल कटा है। जो तीसरा टोल था वो 40 रुपए का था और हार्डली 15-20 किलोमीटर फिर चलाऊंगा मैं, फिर से टोल आ गया है सामने 500 मीटर के बाद, फिर से एक और टोल आ गया है। पता टोल आया था इसका 145 रुपीस कटा है, मतलब ऑलमोस्ट 405 रुपए अभी तक 4 टोल्स पे लग चुके हैं हमारे। 206 किलोमीटर कवर कर लिया है अभी तक घर से और मौसम बहुत सेक्सी हो रहा है, बाहर बादल देख लो आप, आगे तो लग रहा है कोई बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है।
वन मोर टोल 500 मीटर आगे, वो ये फिफ्थ टोल होने वाला है। तो बोर्ड पे तो 85 रुपीस लिखा हुआ है, बट हो सकता है फेयर अपडेट हो गया हो, चेंज हो गया हो कुछ। वही था 85 जो दिखाया था, बट ये टोल के बाहर थोड़ा सा रूट टूटा फूटा है, ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ। तो वेलकम टू पंजाब। मैं अभी आ गया हूँ ऑलमोस्ट अम्बाला से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे, एक रास्ते में पड़ा है मिडवे ढाबा। यहाँ पर एक कप चाय मारने का टाइम आ गया भाई। किसी की नई किया सेल्टोस का टायर पंक्चर हो गया है, स्टेपनी टायर लगा रही है फैमिली। हालांकि परेशान हो जाते हैं ना लोग जब टायर वायर पंक्चर हो जाता है। चलो निकलते हैं फिर यहाँ से, अभी भी बचा है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर बचा हुआ है अमृतसर। तो एक और ब्रेक ले लेते हैं फिर चलते हैं। मैकडी में कुछ हल्का सा मैक ग्रिल वगैरह खाते हैं। बाकी अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है, सुबह 4:30 बजे से निकले हुए हैं, 9:30 बज गए हैं। काफ़ी बढ़िया ड्राइव हुई है अभी तक। मशीन से ही ऑर्डर कर लेता हूँ मैं मैक वेजी। मैं ले रहा हूँ एक मैक वेजी और एक पिज़्ज़ा मैक पफ। बर्गर हो गया, मैक पफ हो गया, पेट पूजा हो गई, निकलते हैं अब, नहीं तो इतना ब्रेक ले लेके जाएंगे तो टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। लुधियाना ऑलमोस्ट एंटर कर लिया है, लुधियाना सिटी के अंदर हूँ मैं अभी। अभी तक कोई टोल नहीं आया है, बट सिटी के अंदर आने के बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर ट्रक्स बहुत आते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है यहाँ से, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर कपड़ों की, इसीलिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा रश रहता है। बहुत ज़्यादा टोल्स के रेट बढ़ गए हैं यहाँ पर। ये छठा टोल था और 150 रुपये का टोल है, गजब ही हो गया भाई। इतनी मोटी मोटी बूंदे पड़ रही हैं, मतलब आज ऐसा लग रहा है अमृतसर जाने से पहले पहले पता नहीं कैस किस किस टाइप की बारिश देखने को मिलेगी। अमृतसर बचा है 101, जलंधर 21। असली बारिश तो अब हो रही है, बिल्कुल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अभी तक की सबसे ज्यादा तेज बारिश अब हो रही है। किलोमीटर्स बचा है, लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जलंधर से पहले ही हम लोग फंसे थे। अभी भी वो रूट बन रहा है, प्रॉपर बना नहीं है, सो यहाँ पर अभी भी ट्रैफिक दिखा रहे हैं भाई। जो लुधियाना से बारिश स्टार्ट हुई है अभी तक रुकी नहीं है, यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर बचा होगा। रास्ते में एक भैया यहाँ पर बन टिक्की और अभी गरम गरम ये बना के देंगे, बारिश में खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। गरम गरम बन छोले तैयार हैं और कितने सही लग रहा है यार, 20 रुपए में। ये बढ़िया चीज़ है पंजाब में, मतलब बहुत ही सस्ता खाना बहुत ही कम रेट पे मिलता है यहाँ पे। तो भाई 65 रुपए का ये वाला टोल कटा है ब्यास वाला, 640 रुपए हो चुके थे अभी तक, अब ये वाला 65 रुपए और ऐड कर दो तो हो जाता है अराउंड 705 रुपए। और एक टोल अभी अमृतसर वाला और बढ़ेगा, 705 प्लस वो जितने का भी होता है लगभग 750-800 रुपए के टोल्स। बहुत जगह पे ये वाटर लॉगिंग हो रखी है यहाँ पे, यानी देखो यहाँ पर पूरे के पूरे टायर डूब गए हैं गाड़ियों के। भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाटर लॉगिंग हो गई है यहाँ पे। फाइनली गाड़ी को पानी में डुबोने के बाद हम लोग ये गोल्डन ब्रिज, जो गोल्डन गेट है अमृतसर का, वो क्रॉस कर रहे हैं। उसके नीचे से नहीं जा रहे हैं, ऊपर ओवर ब्रिज से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। गाड़ी के पूरे टायर पानी में भर पूरे डूब जा रहे हैं, सो बहुत रिस्की भी है। गाड़ी बंद हो गई, साइलेंसर में पानी चला गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम गोल्डन गेट के नीचे से ना जाके ऊपर ब्रिज से जा रहे हैं। आई एम इन अमृतसर राइट नाउ। बहुत जिद्दोजहद के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद अमृतसर में पहुँचे, क्योंकि अमृतसर से 8 किलोमीटर पहले जो भी सर्विस लेन्स थी उनमें इतना गंदा पानी भरा हुआ था, एक पल को मुझे लगा गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट टायर सारे डूब गए थे उसमें। बट एनीवेज पहुंच गए हैं, अब सीधा घर पहुंचते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं। बाकी इस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको मैं अमृतसर का टूर देने वाला हूं अगले ब्लॉग में, तो उस ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।